नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में iQOO Z9X 5G वर्सेस TechnoSpark 20 Pro Plus का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Z9X 5G में 6.52 इंच जबकि 20 Pro Plus में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Z9X 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Z9X 5G में 2.99 इंच जबकि 20 Pro Plus में 2.95 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Z9X 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Z9X 5G में 0.31 इंच जबकि 20 Pro Plus में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Z9X 5G में LCD जबकि 20 Pro Plus में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Z9X 5G में 6.72 इंचेस जबकि 20 Pro Plus में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Z9X 5G में 1080x2408px FHD+ Plus और 20 Pro Plus में 1080x2460px FHD+ Plus मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Z9X 5G में 86.58% जबकि 20 Pro Plus में 88.56% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Z9X 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 20 Pro Plus में 396 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Z9X 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और 20 Pro Plus की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Z9X 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 20 Pro Plus की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Z9X 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 20 Pro Plus में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Z9X 5G में Adreno 710 जबकि 20 Pro Plus में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Z9X 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 और 20 Pro Plus में MediaTek Helio G99 Ultimate मिलता है। बात करें RAM की तो Z9X 5G में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि 20 Pro Plus में 1 ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Z9X 5G में 128GB जबकि 20 Pro Plus में 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी Z9X 5G में 6000mAh जबकि 20 Pro Plus में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Z9X 5G में 2 कलर्स जबकि 20 Pro Plus में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Z9X 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं।
जिसमें कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,290 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें 20 प्रो प्लस की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो iQOO Z9X 5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस की तो उसमें 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में 20 प्रो प्लस आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200e 5G है, दूसरा Moto G04 4G है, तीसरा Nothing Phone 2a 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।